हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। बस ये पूजा के बर्तन थे वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ। और आज व्रत सिर्फ मेरा ही है, महक का नहीं है। वो सिर्फ फर्स्ट का और लास्ट का करती है, फर्स्ट सोमवार और लास्ट सोमवार। और मैं तो जितना होता है चार पड़े या पाँच, जितना भी हो जाता है महीने का, जितना पड़ता है सावन में, कभी चार कभी पाँच पड़ता, पर इस पर चार पड़ रहा है तो मैं पूरा करती हूँ। और तो इसलिए मैं आज अकेले ही पूजा कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सावन का दूसरा सोमवार। आज तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि टाइम नहीं मिला और ये छूटा भी नहीं था। इसमें तो लगा सकती थी, इसमें लगा सकती थी, बट नहीं हुआ टाइम। अब नेक्स्ट संडे लगाऊंगी। तो अभी पूजा हो गई है मेरी, अब चल रही मैं। दूध गर्म करने के लिए रखा है और चाय बनाऊंगी और मूँगफली का दाना उसे मैं थोड़ा सेक लूंगी और थोड़ा चाय पीऊँगी। काफ़ी लेट हो गया। हाँ, 11:38 हो गया है और बाल भी मेरे अभी गीले हैं। पूजा तो किसी तरह कर लिया पर बट बाल गीले हैं, बाल को भी सुखाना है। पहले चाय पी लूँ उसके बाद ही कुछ करूँगी। अब मैंने दूध रखा है, फटाफट से गर्म हो जाए फिर उसके बाद मैं रखती हूँ। घूमने में मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो दूध मेरी रेडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ है मैं खाने भूंज ले रही हूँ। खाने के लिए घी में इसको अच्छे से क्रंची करके भूजो तो खाने में बहुत अच्छा रहता है और एनर्जी भी आता है व्रत के दिन अगर इसे खाओ तो। और थोड़ा सा मूंगफली का भी दाना भी मैंने उसे भी भून लिया है। वो घी में नहीं भूनती, वो सूखा ही अच्छा लगता है मुझे। और मखाना बिना घी का नहीं अच्छा लगता, मूँगफली घी का अच्छा नहीं लगता। दोनों का अलग अलग टेस्ट है मेरा। चाय और मखाना रेडी है, चलो अब चलते हैं पीने। और तो ये आप भी हमारे साथ चाय पीने। अभी थोड़ी चाय गई है, 12 बज गई है मुझे चाय पीने में। और बेटी मेरी परेशान कर रही है, बार बार मखाना मांग रही है खाने के लिए। चाय रही, सिर्फ व्रत के दिन ही मैं थोड़ा ज़्यादा चाय लेती हूँ, बाकी उतना नहीं लेती, मतलब पीती हूँ। तो गाइस अभी ना शाम के बज रहे हैं 5 बज गया, 5 से भी ज़्यादा हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चला। और 12 बजे तो मैंने पूजा करके मैं उठी हूँ, चाय वगैरह पिया, फिर बीच में अपने बेटे को पढ़ाने लगी, उसको होमवर्क कराई। इस वजह से फिर बीच का कोई भी वीडियो का क्लिप नहीं लिया क्योंकि उसको होमवर्क कराना भी ज़रूरी होता है, वो सुनता नहीं है। और फिर क्या, शाम को जल्दी सो जाता है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता है, इस वजह से शाम को जल्दी सोता है, तो उसका जो होमवर्क है ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने थोड़ा उसको डांट के मैंने होमवर्क करवाया और
बेटी सो रही थी और महक भी सो रही थी, इसलिए मैंने उसका कंप्लीट करवा दिया। अब बेटी मेरी उठ गई है। तो गाइस, हमने कल ये शॉपिंग की है, खास नहीं किया है, बट थोड़ी ये एक टावल लिया है, किचन टावल, हैंड टावल है जो डेली यूज में होता है। और ये है मेहंदी कलर का सेट है। और अभी क्या है, राखी आ रहा है, तो राखी में ग्रीन मेहंदी ये सब कलर पहना जाता है, इसलिए लिया है। ऐसे पर्सनली राखी के लिए नहीं लिया है। उसके बाद ये भी इनका ही पैंट है, ये भी पैंट है फॉर्मल, सब ऑफिस वाला है, ऑफिस पहन के जाने वाला। ये भी पैंट है ब्लैक कलर का, ये ग्रे कलर का है, ये ब्लैक है और ये थोड़ा डार्क ब्राउन मेहंदी कलर है। ये हो गया। ये एक शर्ट है, सब मेरी पसंद है, ये उनका पसंद है ब्लू। और ये रहा महक का ड्रेस, वैसे तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कल के वीडियो में। कैसा है ये, ऐसा है पेन टाइप का है, टू इन वन। और ये ऊपर से कोट जैकेट, ऐसा है, यही है। उसने खुद से पसंद करके लिया है, उसको हमने बोला जो भी तुम्हें पसंद हो वो खुद से पसंद करके अपना दे लेना, इसलिए मैं साथ में लेके गई थी उसे। अच्छा है, यहाँ पे इलास्टिक लगाया तो कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ काफ़ी टाइट नहीं रहेगा, स्ट्रेचेबल जैसा है और पहनने पे अच्छा भी लग रहा था। ये ऊपर से जैकेट आ जाएगा, यहाँ से ऊपर एक डोरमेट लिया था, वो तो निकाल लिया। तो बस ऐसी ज़्यादा नहीं थी शॉपिंग, तो मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादा नहीं था, इतना ही लिया है। अभी राखी की अभी ख़रीदारी बाकी है, मेरी बेटी के लिए लेना है और मेरा तो देखूंगी, मुझे भी अगर पसंद आया तो। अच्छा अच्छा, ये हारी खाते खाते उठ के आ गई बच्चा, बाय। ओहो जा, खाना खाओ, खाना खा रही है, इसे भूख लगी थी। तो अब हो गई है शाम, तो चलती हूँ अभी मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ अपने लिए, फिर मुझे जब भी करना है शाम की पूजा। और अब मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, अब मैं मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। पहले का ये वीडियो मेरे पर अभी पड़ा होगा जो अभी बहुत ही लेट लेट अपलोड कर रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, अगर हुआ तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं, मम्मी तो छूट गई। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक बाय, टेक केयर और बाय।